क्या नाम है? मेरा नाम शेखर कुमार झा। शेखर जी, ये लड़का का क्या नाम है, क्या उम्र है, किस कहाँ पढ़ाई कर रहा था, कहाँ तैयारी कर रहा था? ये आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और श्री विनायक हॉस्टल में ये रहता था। ट्वेल्थ करके आया था ये 26 मई 2022 को, और 5 जून को उसका यहाँ से फ़ोन गया है कि वो सुसाइड कर लिया। जो लड़का सुसाइड करने वाला था नहीं, क्योंकि 4 तारीख को अपने चाचा से वो करोलबाग मिलने गया था 12 बजे दिन में, और शाम को फिर अपना हॉस्टल भी आया दिन में। उसके बाद रात में अपने फादर से भी बात किया है 9:30 के नियर अबाउट। जो स्पष्ट बात था, वो सुसाइड नहीं कर सकता लड़का। आप जो बच्चे के माँ जो है मुखिया है गांव में, जी जी, और बच्चे यहाँ आए तैयारी करने के लिए, जी, एक बाप माँ के लिए, जी, क्या आप लोग भी सोचे थे कि ऐसा भी होगा? अब ये दिन कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे सामने हमारे बच्चे चले जाएं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई नहीं चाहता, कि हर चाहता है कि भाई हम अपना बच्चे को एक लायक बनाए, इंसान बनाए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानधाता त्रिपाठी जी। कहाँ से हैं आप? हम भभुआ से रहने वाले हैं। अच्छा, पेशे से आप क्या करते हैं? पेशे से किसान हैं और राजनीति में अपने पंचायत में हमारी पत्नी जो है मुखिया हैं। अच्छा जी, क्या हुआ है, आपने आकाश इंस्टीट्यूट में बच्चे का कब एडमिशन कराया था? 26 तारीख को। कब पीजी हॉस्टल में? पीजी हॉस्टल का नाम क्या है, क्या हुआ बताइए। 26 तारीख को लेकर के मैं बच्चे को आया यहाँ। बच्चे का फर्स्ट क्लास 26 तारीख को था, 26 मई 2022। इसके बाद जो है मैं यहाँ श्री विनायका हॉस्पिटल में आया। यहाँ पर देखा ठीक ठाक विधि व्यवस्था जो है, बच्चे को भी पसंद आया, बोला कि जो है ठीक है जो है, और यहीं पर मैं रख दिया। 26 रुका, 27 रुका, 28 को हमारी फिर जो है ट्रेन मिली ना, फिर हमें 29 को निकल गया। बेटा से एक दिन पहले बात भी हुई थी, बहुत अच्छा बेटा था जो है, कहीं दिक्कत नहीं। बच पूरे परिवार से भी बातचीत हुआ था, कोई परेशानी नहीं। लेकिन 5 तारीख को हमको ये अचानक एक फ़ोन आता है। किसका फ़ोन आता है? वार्डन का फ़ोन आता है कि आपका बेटा जो है फांसी लगा करके डेथ कर गया है। मैं वहाँ से भागे भागे आया यहाँ पर। जब मैं यहाँ 8:30 बजे लैंड किया हमारा जो है वो, इसके बाद मैं पता किया कि पुलिस जो है इसको ले गई है। इसके बाद एम्स में भर्ती उर्ती कर दिया, लोग मिलने लोग नहीं देगा, तो हम मैं डायरेक्ट जो है आ गया यहाँ हॉस्टल पे। हॉस्टल में आया तो CCTV कैमरा जो है फुटेज में चेक करवाने लगा, देखा उसमें कि वार्डन जो है हमारे बच्चे के रूम में 9:30 या 10 मिनट पे जो है प्रवेश करता है, 10:06 प्रवेश करता है, उसके हाथ में एक बोतल है, फिर निकलता है, फिर उसमें प्रवेश करता है। रात भर वार्डन उस कमरे में रह रहा है। 4:35 पर वार्डन बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, फिर थोड़ी देर में अंदर जा रहा है, और फिर उसके हाथ में जो है एक तौलिया रहता है। इसके बाद से जो है मैं लगभग 10:30-11 बजे तक जो है CCTV कैमरा फुटेज देखा, उसमें जो है किसी तरह की एक्टिविटी नहीं थी। मेरा बेटा ना निकला ना कुछ किया। आपको क्या लग रहा है कि आपके बेटा का हत्या हुआ है? जी हाँ, मेरे बेटे के साथ मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसमें जो है 100% जो है इसमें वार्डन और हॉस्टल इन्वॉल्व है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि अभी आप 26 को आ पाए और 5 तारीख को आप, जबकि 2 दिन रहे बच्चे के पास, ऐसा क्या हो गया कि बच्चे का आपको वार्डन ने आपको कॉल किया कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया? हमें ये इस बात की खुद समझ में नहीं आ रही है। एक दिन पहले बच्चे से बात होती है, और हमसे ही नहीं बात होती है, पूरे परिवार से बात होती है, उसके छोटे भाई से भी बात होती है, कहीं उस तरह का मैं, बल्कि मैं ये भी बोला कि पैसा रुपया की कमी बेसी है। उसने एक बार मैसेज हमें किया था कि नाश्ता ख़राब मिलता है, चाउमीन वगैरह नहीं खाया है, वो सब जो है देहात का लड़का है जो है, तो कहा कि पिताजी चाउमीन मिल रहा है। हमने कहा कि चाउमीन को छोड़ो बेटा, आप पढ़ाई को देखो, और नहीं हो तो मार्केट से खरीद करके कुछ खा लिया करो। कि भोजन ठीक है ना? कहा कि हाँ भोजन ठीक है। किस आकाश इंस्टीट्यूट में क्या कोर्स कर रहा था? ये आकाश साउथ एक्स में उसका एडमिशन था, और नीट की तैयारी के लिए लोग बोला था, फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन था। जी हाँ, एक बाप माँ 12th करा कर दिल्ली लाते हैं, बिहार से दिल्ली, और क्या क्या आपको ये था
दुआ करो कि आप अपने बेटे को तैयारी कराने के लिए लाएंगे और एक दिन पता चलेगा कि बेटा सुसाइड कर लिया। कुछ बयान नहीं कर सकते सर जो इस मुद्दे में। कितने बच्चे आपको? दो बेटा दो बेटी। ये बड़ा था? बेटियां दोनों बड़ी हैं, इसके बाद ये है, इसके बाद एक और बेटा। पुलिस क्या बात हुई, पुलिस से क्या बात हुई? जी हाँ, पुलिस का सहयोग पूरा मिल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जी हाँ, सीसीटीवी में क्या आ रहा है? सीसी कैमरा में स्पष्ट साबित हो रहा है कि वार्डन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कहीं दो राय नहीं है।